हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट डब्ल्यूटी यानी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट जो कि वेल्डिंग है, इसके पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे। और जो ये पार्ट फर्स्ट होगा यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए अभी तक आप लोग फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था वर्कशॉप का। अब यही बात करें थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में इसका थ्योरी एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि आप लोग फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में अगर बात करें तो इसमें तो एकदम भी आप लोग नहीं पढ़े होंगे वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ भी। अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो इससे आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, लेकिन उसको कहें तो 100% आप लोग नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जो क्वेश्चन के साथ साथ अगर बेसिक आएगा तो मतलब जो क्वेश्चन होंगे उसके साथ बेसिक भी आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं, बात हो रही है वेल्डिंग की, क्योंकि देखिए सेकेंड सेमेस्टर में आपका कोरोना के कारण क्या हो रहा था, जो कोविड पीरियड चल रहा था, ठीक है, तो उसके कारण सभी कॉलेजेस ऑफ थे। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग जो हमारा ये देखिए चैप्टर है, इसके रिलेटेड बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ और बता देते हैं कि जो हमारा देखिए अगर बात करें कि वर्कशॉप में ही सभी शॉपें होती हैं, ठीक है, मतलब अगर बात करें कि जो पॉलीटेक्निक स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो पॉलीटेक्निक स्टूडेंट हैं उनको कितनी शॉपें जाननी चाहिए, ठीक है, कितनी शॉपें पढ़नी, तो टोटल देखिए 8 शॉप्स पढ़नी हैं। कौन कौन सी शॉप हैं तो इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट, देखिए आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है, पेन और जो नोटबुक है उसको लिख लीजिए, निकाल कर लिख लीजिए जितना भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो 8 शॉपें कौन कौन सी पढ़नी है, तो देखिए फर्स्ट हमारा हो जाता है मशीन शॉप, तो ये हमारा मशीन शॉप हमारा फर्स्ट हो जाता है। अगर यही सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा फिटिंग शॉप हो जाता है, ठीक है, फिटिंग शॉप ये हमारा सेकंड हो गया। अगर यही बात करें थर्ड की, तो देखिए थर्ड हमारा हो गया कारपेंट्री शॉप, ठीक है, कारपेंट्री शॉप जो है ये हमारा थर्ड हो गया। यही अगर बात करते हैं फोर्थ की, तो देखिए फोर्थ अगर हम बात करें तो हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वेल्डिंग शॉप, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेल्डिंग शॉप, और इसी से आप लोग को यही चैप्टर भी बन रहा है वेल्डिंग का। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ की अगर बात करें तो फिफ्थ हमारा हो गया पेंटिंग शॉप, ठीक है, पेंटिंग शॉप ये हमारा फिफ्थ हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है सिक्स नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा स्मृति शॉप में क्या होती है, सभी जितनी भी ढलाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो ढलाई की जाती है ये स्मृति शॉप में ही की जाती है। यही अगर बात करते हैं तो देखिए सेवन्थ नंबर की, सेवन्थ शॉप कौन सी होती है, तो मोल्डिंग शॉप होती है। कौन सी, तो मोल्डिंग शॉप जो होती है ये हमारी सेवन्थ शॉप होती है, ठीक है। और एट्थ शॉप हमारी जो लास्ट बची ये कौन सी बची, तो देखिए प्लम्बिंग शॉप बची, ठीक है, प्लम्बिंग शॉप ये हमारी लास्ट शॉप हो गई। ठीक है, इतना सारा कुछ आप लोगों को देखना है। अब देखिए बात हो रही है शॉप की, तो देखिए एक क्वेश्चन बनता है जब आप लोगों का इंटरव्यू होता है, या कह सकते हैं जो इंटरव्यू देखिए जो होता है, तो इसमें जो इंटरव्यू होता है इसमें एग्जामिनर आपका एक क्वेश्चन पुटअप करता है कि जो शॉप हैं, ठीक है, आपको लास्ट ईयर में भी आपको जो आपका प्लेसमेंट होता है उसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि जो शॉप है और जो वर्कशॉप है, काफ़ी बार पूछा भी गया है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट से, ठीक है, तो जो शॉप है जो वर्कशॉप है इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए शॉप और वर्कशॉप में डिफरेंस क्या होता है, जो शॉप होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक पार्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इसी को शॉप कहते हैं। अगर बात करें वर्कशॉप की, तो ये वर्कशॉप क्या होता है, तो देखिए वर्कशॉप जो है, ठीक है, वर्कशॉप, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए अगर कई शॉपों को मिला दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्कशॉप कहलाता है, ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अब बात देखिए होती है चैप्टर के बारे में चलते हैं, चैप्टर हमारा है वेल्डिंग, तो वेल्डिंग क्या होता है, तो देखिए इट इज़ अ प्रोसेस, मतलब एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, मान लीजिए टू मेटल्स हैं, ठीक है, दो मेटल मान लेते हैं, देखिए ये हमारा फर्स्ट मेटल हो गया, ठीक है, फर्स्ट मेटल, ये हमारा सेकेंड मेटल हो गया, तो इन दोनों को देखिए ये हम क्या कहिए, वेल्डिंग द्वारा जोड़ दिए, तो यही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, यही हमारा वेल्डिंग कहलाता है। अब जो ये दोनों मेटल हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वाले, ये सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है, सिमिलर भी, और नॉन सिमिलर या डिसिमिलर भी हो सकते हैं, नॉन सिमिलर,
ठीक है, या डिसिमिलर भी बोल सकते हैं। तो इनको देखिए प्रेशर द्वारा भी जोड़ सकते हैं और अगर बिन प्रेशर विदाउट प्रेशर द्वारा भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो ये हमारा होता है वेल्डिंग, इसी को कहते हैं वेल्डिंग। अब देखिए बात करते हैं जो वेल्डिंग है, ठीक है। देखिए जो वेल्डिंग है, अगर बात करें कि वेल्डिंग को कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, तो वेल्डिंग देखिए दो तरीक़ों से की जा सकती है। पहला है हमारा गैस वेल्डिंग, ठीक है। दो वेल्डिंग होती है, एक होती है गैस वेल्डिंग और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग देखिए इसमें क्या होता है, तो जो हमारा गैस वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग में क्या होते हैं, दो सिलेंडर होते हैं, ठीक है। देखिए जो गैस वेल्डिंग है इसमें दो सिलेंडर होते हैं। अब दो सिलेंडर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला जो हमारा होता है ये ऑक्सीजन का होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। दूसरा जो होता है ये एसीलीन का होता है, ठीक है, एसीलीन। तो एसीलीन और ऑक्सीजन का, तो देखिए जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, ये हमारा देखिए जो अगर कहा जाए कि ऑक्सीजन का सिलेंडर किस कलर का होता है, क्योंकि आप लोग देखिए जानते होंगे, अगर मान लीजिए कि जो हमारा एसीलीन है ये क्या है, ये एक ज्वलनशील होता है, ठीक है, ज्वलनशील है, ठीक है। अब ज्वलनशील सिलेंडर है, अब देखिए ज्वलनशील सिलेंडर, तो आप लोग बताइए कि ये किस कलर का हो सकता है। तो देखिए आप लोग देखे होंगे घर में कि जो रेड, ये क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि वो ज्वलनशील होता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं जो ऑक्सीजन है, ये हमारा भी कोरोना टाइम में बहुत चला था ऑक्सीजन गैस का, बहुत सबको ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत भी बहुत थी, ठीक है। तो इसका जो सिलेंडर होता है ये ब्लैक कलर का होता है, काला कलर का होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो क्या करता है, ऑक्सीजन जो कि जो हमारा ज्वलनशील को बढ़ाने या सहायक का काम करता है, मतलब जलाने का काम करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। अब देखिए आप लोग घर में भी देखे होंगे सभी चीज़ें क्या हैं, वेल्डिंग के द्वारा ही की जाती हैं। जैसे आप लोग देखें तो जो मग होता है उसके देखिए इंटरनल भी और जो एक्सटर्नल भी क्या होता है, वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को देखना है गौर से और समझना है, जो कि आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ठीक है। कहीं भी आप लोग को दिख जाता है वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ, तो आप लोग देख के उसको समझें, ठीक है, बहुत आसानी होगी। अब देखिए बात करते हैं कि वेल्डिंग जो है, और जो देखिए जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इसमें क्या होता है, तो इसमें फ्लक्स कोड होता है, ठीक है, फ्लक्स कोड। अब देखिए जो वेल्डिंग किया जाता है, तो वेल्डिंग किए जाने पर क्या होता है, उसमें एक फ्लेम भी निकलती है, ठीक है। तो देखिए जो वेल्डिंग है इसमें कुछ फ्लेम भी निकलती है, ठीक है, फ्लेम जो कि क्या होती है, फ्लेम होती है, फ्लेम किस, देखिए तीन टाइप्स की निकलती हैं, क्योंकि देखिए जो फ्लेम होती हैं इसको बोलते हैं ज्वाला। तो फ्लेम तीन टाइप्स की निकलती हैं, कौन कौन सी, तो देखिए एक होती है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल फ्लेम्स होती है, और एक यही होती है कार्बोराइजिंग, ठीक है, कार्बोराइजिंग, ठीक है, कार्बोराइजिंग हो गई। और अगर थर्ड की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग हो गई, ठीक है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग। तो ये सभी क्या है, इसकी फ्लेम है। अब देखिए यही बात करते हैं कि ये तो हो गई फ्लेम। अब देखिए जो वेल्डिंग करते हैं उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को गोगल्स लगा लेनी चाहिए, ठीक है, ब्लैक जो गोगल्स जो चश्मे आते हैं उसको लगा लेना चाहिए आपको। ये सभी तो आपको वर्कशॉप में भी मिल जाएगा, तो आप लोग उससे देख लेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं मेन चीज़ की, ठीक है, क्योंकि देखिए फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए जो मेन चीज़ है वो क्या होता है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, अगर वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि वेल्डिंग करने के पूर्व कौन सी गैस खोलनी चाहिए, तो ऑक्सीजन गैस सबसे पहले खोलनी चाहिए वेल्डिंग करने के से पहले, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि अगर जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसको देखना भी नहीं चाहिए, ताकि क्या होता है, क्योंकि जो आँख होती है उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, किसको, आईज़ को, ठीक है, आँखों को प्रॉब्लम होती है, किस लिए, तो देखिए इससे जो वेल्डिंग होता है, तो वेल्डिंग से टू रेस निकलती हैं, कौन कौन सी, तो अल्ट्रावायलेट रेस और इंफ्रारेड्स, ठीक है, इंफ्रारेड्स और अल्ट्रावायलेट रेस जो कि क्या होती है, बहुत ही हार्मफुल होती हैं दोनों रेस किरणें, ठीक है। अब देखिए जो अल्ट्रावायलेट रेस है ये क्या करती है, ये स्किन जो होती है, ठीक है, जो त्वचा होती है, ठीक है, स्किन, इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। जो इंफ्रारेड है ये जो हमारे आँख की जो रेटिना होती है, रेटिना, इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो आप लोग देख जब वेल्डिंग करें जब भी, तो सावधानी ज़रूर बरतें, ठीक है, सावधानी बरतने से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए आप लोग जो लोग वेल्डिंग किए हैं वो लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमने वेल्डिंग किया है, क्योंकि देखिए हमको लगेगा कि उनको एक्सपीरियंस भी है, उनको समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए जब वेल्डिंग किए होंगे, अगर आप लोग जो एक लगाया जाता है, देखिए जैसे आप लोग देखे होंगे
कि जो लगाया जाता है शीशा टाइप का होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे आप लोग देखिए, जैसे जो हेलमेट टाइप का जो लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे देखिए बोलते हैं हैंड स्क्रीन। ठीक है, हैंड स्क्रीन बोला जाता है उसे। ठीक है, हैंड स्क्रीन या इसे हेलमेट भी बोल सकते हैं, हेलमेट। ठीक है, क्योंकि देखिए उसे लगाया जाता है, उसमें क्या होता है, शीशा होता है बीच में। तो शीशा जब होता है उससे क्या होता है, जो इंफ्रारेड होती है जो और जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं उससे नुकसान नहीं होता है। तो देखिए जो हैंड स्क्रीन है ये क्या काम करता है, इसको हाथ से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा जो रेस होती हैं वो आँखों में नहीं पहुँचती हैं और स्किन पर भी नहीं पहुँचती हैं। अब देखिए बात करते हैं कि जो हैंड स्क्रीन है इसमें जो शीशा लगा होता है वो किस किस कलर का होता है, तो वो देखिए तीन कलर्स देता है, तीन कलर्स में होता है। कौन कौन से, तो वाइट होता है और ग्रीन होता है और ब्लैक होता है। ठीक है, सफ़ेद, हरा और काला, इस शीशे इसी तरह से होते हैं। अब देखिए बात करते हैं जो इसका, अगर बात करें वेल्डिंग जो प्रोसेस है ये कितने डिग्री सेल्सियस पर या सेंटीग्रेड पर होता है, तो देखिए ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेल्डिंग किया जाता है। अब यही अगर बात करें कि नॉर्मल टेम्परेचर का लगभग, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर का लगभग 10,000 गुना होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बात करते हैं कि जो हमारा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो घरेलू जो ठीक है एलपीजी गैस होते हैं जिससे क्या किया जाता है, खाना वाना पकाया जाता है, तो एलपीजी गैस जो होता है, क्योंकि देखिए गैस को कभी भी सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए, चाहे घर हो और चाहे वर्कशॉप है, चाहे कहीं भी आप लोग हों। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसलिए सावधानी बरतना है ताकि कोई भी घटना घटित ना हो जाए। क्योंकि देखिए अगर जो क्या करते हैं, जो गैस लेकर आते हैं, डिलीवरी करते हैं, घर में पहुंचाते हैं, या आप लोग लेकर आते हैं तो उसे लात मारते हुए लेकर आते हैं रोलिंग करते हुए, ठीक है, तो रोलिंग आप लोगों को नहीं कराना है। क्योंकि देखिए उससे जो गैस, जो ऑक्सीजन होती हैं और जो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन होती है, जो गैस होती है गैस में, ठीक है, गैस की, तो वो आपस में टकराती हैं और कुछ निकल थोड़ा हल्की सी निकल भी जाती हैं, तो उससे काफ़ी नुकसान भी होता है। ठीक है, तो आप लोग को बताते हैं, देखिए इसीलिए क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो सिलेंडर वाली गाड़ी होती है उसमें सिलेंडरों को क्या किया जाता है, खड़ा ही रखा जाता है, खड़ा रखने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, सीधा इसको अब ख़त्म करते हैं, आपको को जो क्वेश्चन बनेगा उससे भी जो बेसिक बताएंगे उसे आप लोग बस पढ़ते जाइएगा। अब देखिए बात करते हैं कि जो वेल्डिंग है इसकी पोजीशंस के बारे में बात करते हैं, जो पोजीशंस हैं, तो देखिए जो पोजीशंस की अगर बात करें तो वेल्डिंग की चार पोजीशंस हैं, कौन कौन सी, तो पहली हो गई फ्लैट पोजीशंस, और दूसरी हमारी हो गई वर्टिकल पोजीशंस, ठीक है, वर्टिकल पोजीशंस, तीसरी हो गई हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल हो गई, चौथी की अगर बात करें तो ओवरहेड होगी। ठीक है, ओवरहेड ये सबसे कठिन है वेल्डिंग की पोजीशन का। अब देखिए बात करते हैं फ्लैट का हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए दो मेटल्स हैं, ठीक है, ये हमारे कोई, देखिए ये हमारे क्या है, कोई दो मेटल हैं, ठीक है, तो ये जब दो मेटल हैं तो इनको क्या करता है, ये देखिए वेल्डिंग द्वारा इसको जोड़ दिया गया, ये पिघल कर आपस में जुड़ जाएगा जब वेल्डिंग करेंगे हीट होकर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, ये हमारा फ्लैट हो गया, फ्लैट मतलब जो सरफेस में क्या हो, समतल हो, ठीक है, इसी को फ्लैट कहते हैं। वर्टिकल की अगर बात करें तो देखिए वर्टिकल मान लीजिए ये है, ठीक है, इस टाइप का कोई मेटल है तो इनको वर्टिकली जोड़ना, ठीक है, तो वर्टिकल जोड़ना, तो ये हमारा दो मेटल्स आपस में जुड़ गए, इसे ही वेल्डिंग द्वारा जुड़ गए, इसे ही वर्टिकल वेल्डिंग कहते हैं पोजीशंस। ठीक है, वर्टिकल पोजीशंस। अगर बात करें हॉरिजेंटल की तो हॉरिजेंटल भी इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है, तो इनको जोड़ दिया जाता है। अगर बात करें जो ओवरहेड, मतलब आपका ओवरहेड क्या होता है, सबसे कठिन होती है पोजीशंस वेल्डिंग की, ओवरहेड जो हेड के, आपको नाम से ही पता चल रहा है ओवरहेड, ठीक है, जो जैसे बोलते हैं ना कि टाइम ओवर हो गया, मतलब टाइम से ज़्यादा हो गया, तो ओवरहेड मतलब जो हेड यानी खोपड़ा जो है, यानी जो खोपड़ी है हमारी उससे ऊपर हो, तो वो जो उसको जो वेल्डिंग करने के लिए जो पोजीशन होती है वो हमारी ओवरहेड कहलाती है, मतलब जो खोपड़ी है उससे ऊपर किसी चीज़ को वेल्डिंग करना है वो हमारा ओवरहेड कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो के साथ।